बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास। टेक आउट योर लाइफ साइंस बुक ऑफ ग्रेड 3, एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑन पेज नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी और आंसर क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा है? ऑन पेज नंबर 4 we have studied that flower is one of the and it is most beautiful part of the plant. So yahan se hame ye cheez pata lag gayi thi ki flower jo hai hamare paas phool wo plant ka paude ka sabse khoobsurat hissa hai. To isliye hamare first question ka answer hoga flower is the most beautiful part of a plant. Aur next question is what is stamen? On page number 5 we have studied the पोर्शन ऑफ स्टैमन वेयर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि द स्टैमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ से हमें पता लग गया था कि स्टैमन जो है वो फूल का नर हिस्सा होता है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टैमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर आर पोलन ग्रेन्स फाउंड। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑन पेज नंबर 5। यहाँ पे हमने स्टेमन के अंदर ये पढ़ा था कि एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स, कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर के अंदर हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पोलन ग्रेन्स फाउंड इन एंथर, कि पोलन ग्रेन्स एंथर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट कलर डू सेपल्स यूजुअली हैव, कि सेपल्स का आम तौर पर क्या रंग होता है। सो टेक आउट योर पेज नंबर 5। यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है सेपल्स, इसमें हमने पढ़ा था सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन, कि सेपल्स आम तौर पर ग्रीन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाया था जो ये वाले पार्ट्स होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेपल्स, और ये मोस्टली आमतौर पर सब्ज रंग के होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास होगा सेपल्स यूजुअली हैव ग्रीन कलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन क्या है। इसके लिए हमने पेज नंबर 6 पे फर्टिलाइजेशन की डिटेल स्टडी की है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इन ओवरी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टेक्स प्लेस, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कि जब मेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर होगा द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये 1, 2, 3, 4 वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे 1, 2, 3, 4 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद जो स्टेबल जो आंसर इसमें सूटेबल होगा, जो करेक्ट होगा, वो आंसर हमने इन ब्लैंक्स में पुट करना है। अब देखिए हमारा फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, दिस स्टेमन इज द डैश पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये स्टेमन फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ये हमने बेटा पीछे स्टडी किया है, अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये पौधे का नर हिस्सा होता है फूल का। नाउ नेक्स्ट इज ऑल द सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड, सेपल्स जब एक साथ होते हैं, जब उनको टुगेदर एक साथ हम कहते हैं, तो हम उनको क्या नाम देते हैं, इसका मैं आपको पीछे से दोबारा रिव्यू दिखा देती हूँ। ऑन पेज नंबर 5 सेपल्स वाले पॉइंट में ही हमने पढ़ा था कि ऑल द सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलक्स, कि सेपल्स को हम जब एक साथ कहते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अ कैलक्स, कैलक्स का नाम दिया जाता है। सो हमारी जो सेकंड ब्लैंक है ऑल द सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलक्स, सेकंड में हम कैलक्स को पुट करेंगे, यहाँ पे कैलक्स लिखेंगे। थर्ड इज पेटल्स ऑल्सो एमिट आर डैश, पेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब है खुशबू। तो हमने पीछे पढ़ा है कि पेटल्स जो हैं वो खुशबू को प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं, एमिट कर मतलब ये होता है पैदा करना। इफ द पोलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड डैश, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। पेज नंबर 6 पे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन।
तो सेल्फ पोलिनेशन वो थी जिसमें पोलन जो थे वो सेम फ्लावर के ऊपर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन होती है जब एक एक फ्लावर से स्टेमन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरता है, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। सो यहाँ हमारी स्टेटमेंट है कि पोलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर गिर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सेल्फ पोलिनेशन। Now let's come towards the C part of our exercise. Put tick for true and cross for false statement. जो हमारे पास सही statement होगी उसके आगे हम tick लगाएंगे और जो false होगी उसके आगे box में हम cross लगाएंगे। Sepals are the outermost part of a flower. किसी भी फूल का सबसे बाहर वाला हिस्सा हमारे पास sepals होते हैं। ये बिल्कुल true statement है, that's why हम इसके आगे लगा देंगे box के अंदर tick. The second is the sepals are the most attractive part of a flower. Sepals फूल के बहुत ज़्यादा attractive, बहुत ज़्यादा दिलकश हिस्सा होता है, जबकि हमने पेज नंबर 5 पे स्टडी किया था कि the petals are the most attractive part of the flower. So जो सबसे attractive part है वो हमारे पास petals हैं, sepals नहीं हैं. So that's why the statement number 2 is false. So हम इसके आगे क्रॉस लगा देंगे। नंबर 3 इज पोलिनेशन मीन्स द ट्रांसफरिंग पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, इसलिए हम इसमें टिक लगा देंगे। द नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। यस, दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव स्टडीड के हमारे पास दो तरह की पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सो इसमें भी हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टेक्स प्लेस इन ओवरी। यस, फर्टिलाइजेशन का अमल ओवरी में होता है, जहां मेल एंड फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर डिस्कस किया था, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इट इज़ द डी पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज, चूज द राइट आंसर। राइट आंसर के ऊपर हमने टिक लगाना है। ट्रांसफरिंग पोलन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन्स जब एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन और पोलिनेशन। द करेक्ट आंसर इज पोलिनेशन। सो हम पोलिनेशन के ऊपर टिक कर देंगे। दे अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए जानवरों को या हशरात को अपनी तरफ कौन मतवजह करता है? सेपल्स, पेटल्स और स्टिग्मा। सो द राइट आंसर इज पेटल्स, बिकॉज हमने पढ़ा था कि पेटल्स के खूबसूरत रंग होते हैं और ये खुशबू भी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इफ द पोलन्स ऑफ अ फ्लावर fall onto the stigma of another flower, it is called pollination, self-pollination, cross-pollination. So, बच्चों ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरते हैं, तो इस अमल को हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, यानी कि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। The most important and beautiful part of the plant is, सबसे खूबसूरत और प्यारा हिस्सा किसी भी पौधे का कौन सा होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज लीव, फ्लावर और सीड। ऑफ कोर्स इट इज द फ्लावर। थ्रू दिस ट्यूब द मेल सेल्स ऑफ फ्लावर मूव डाउनवर्ड्स टू द सेपल्स, ओवरी एंड कोरोला। जब हमारे पास मेल सेल्स आते हैं, जिनको हम एंथर कहते हैं, तो वो ट्यूब में से गुजरकर ओवरी की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओवरी। आई होप बच्चों आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। दिस इज द एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1। बेसिकली मैंने आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप इस सॉल्यूशन से उसको राइट डाउन करके नोट कर सकते हैं। Thank you for watching our videos. For more updates, hit the bell icon. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Stay home. Take care. Allah Hafiz.